बिस्मिल्लाहिर्रहमान इब्राहिम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार, मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानियों को 78वां यौम आज़ादी मुबारक हो। 77 बरस हो गए पाकिस्तान को बने हुए और हमने बहुत बहुत से उरूज सवाल देखे हैं और इसी उरूज सवाल में हमने अपने आबा की जो दास्तानें हैं उनको अपने सीनों के अंदर दफन किए रखा है कि किस तरीके से ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान बनी, किस तरीके से हमने वो मनाजिल तय की, किस तरीके से नेज़े की अन्नियों के ऊपर सर सजाए गए और उसके बाद इस मुल्क का हुसूल मुमकिन हो पाया था। हम इस मुल्क की बेहतरी के ख्वाह हैं, हम इस उम्मीद के साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बेहतरी के लिए वो दिन तो कभी आएगा कि जिस दिन का ख्वाब हकीकत के अंदर देखा गया था, कि जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर उभारा गया था। मेरा अपना लिखा हुआ है कि बस एक कौम और एक मंजिल का नारा मिल के लगाएंगे हम, चमन के फूलों की परवरिश को हम अपने खून की फुहार देंगे। सही इरादों से आने वालों हमारी बाहें खुली मिलेंगी, जो दिल कदूरत से भर के लाए तो याद रखना के मार देंगे। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी अपने दिल में आज हुब्बुल वतनी का जो अज़्म था वो अपनी ज़बान के ऊपर लेकर आए। दो कौमी नज़रिया था जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये पाकिस्तान बनाया था। हमको ये देखना है कि क्या हम एक नज़रिए के ऊपर मरकूज़ हो पाए, क्योंकि दो कौमी नजरिए से एक कौम बनने का नजरिया भी एक होना चाहिए था। क्या हमने नजरियों के अंदर बंटवारा तो नहीं कर लिया, हम मसालिक के अंदर तो नहीं बट गए, हम लसानी बुनियादों पे तो नहीं बट गए, हम सूबाई बुनियादों पे तो नहीं बट गए, हम पार्टी बुनियादों पे तो नहीं बट गए। ये हमें आज के दिन इसका एहतसाब जरूर करना है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज तकारीब हर सू सजाई गई। आज वाघा बॉर्डर पर तकरीब सजाई गई, उसके अलावा बेशुमार मरकजी तकारीब हुई और उन तकारीब में इस अहद का इआदा किया गया कि हम ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तगोदो करते रहेंगे। हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है तो सब बुरा भी नहीं है। इसी का भी तकाबुली जायज़ा लेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, यौम आज़ादी पर कौम के नाम मुबारकबाद का पैगाम क्या देंगे? देखें, आज इससे बढ़कर हमारे लिए नेमत कोई नहीं। पहले बात, हम मुसलमान हैं और उसके साथ हम आज़ाद कौम हैं। आप आज़ादी की कीमत जानना चाहते हैं ना यासर, तो मकबूज़ा कश्मीर के मुसलमानों से पूछें, फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें, आप बर्मा के मुसलमानों से पूछें, आप भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों से पूछें, तो आपको इलम हो जाएगा कि आज़ादी की कीमत क्या है। या उन लोगों से पूछे जो हिजरत करके भारत से अपना सब कुछ छोड़ के, आधा ख़ानदान उनके सामने कट गया, ज़िबा कर दिया गया, लेकिन वो पाकिस्तान आ गए, उनसे पूछे। तो आज के दिन अहद करें कि हम इस्लाम की सरबरंदी के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, सूबाई असबियत के खात्मे के लिए और जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए कोशिश करेंगे। इंसाफ उसी सूरत में मिलेगा जब हम इन तीन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे। यासर, लेकिन आज 14 अगस्त है, मैं कोई सियासी बात करना तो नहीं चाहता था, अगर आप इजाज़त दें तो कर लें थोड़ी सी बात भी। जी जी सर, मेरी इजाज़त के बगैर भी आपने कर लेनी है, सर आप कीजिए। यासर, आज सुने मैं इम्तियाज़ का ऐलान हुआ है काफ़ी लोगों के लिए। जी, बहुत सारे नाम। दुबई लीग्स जिन्होंने बेनकाब की उनके लिए हुआ? नहीं, तोशा खाना जिन्होंने किया, नहीं वो तोशा खाना अगर करने वाले को होता है तो इसके बाद, इससे पहले जितनी लीक्स आई हैं जिन्होंने बहुत बहुत चीज़ें बेनकाब की हैं, जो तोशा खाना जिसने किया है उसने कोई फ़न किया दिखाया, क्या दिखाया? तोशा खाना का रिकॉर्ड उसके पास था? वो सरकारी मुलाजम है? नहीं। तोशा खाना का रिकॉर्ड है उसके पास? नहीं। तोशा खाना से गिफ्ट उसने दिए? नहीं। तो फिर उसको इनाम किस चीज़ का, उसको किस चीज़ का तगमा हम दे रहे हैं? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ ना, मैं अकल से बिल्कुल फारिग हूँ, तो मैं कहूँ पूछना चाहूँ आपसे किस चीज़ का इनाम दे रहे हैं? उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी, इसका तो फिर कल कोई किसी के ख़िलाफ़ गवाही देगा, हम उसको इनाम देंगे? ये तो हमारे तगमा इम्तियाज़, तो हमारा एहसास है सर, हमें लारा मिला है और वो उसी लारों पर पल रहे हैं। इसके ऊपर मज़ीद तफसीलन हमने बात करनी है, लेकिन आज हमने कोशिश की थी मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें मिल जाएं, लेकिन कल मोहम्मद अली दुरानी साहब लगता है किसी और मिशन पे थे, आज हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान। मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर
सर आपने याद किया जनाब, हम तो हमेशा सर हमने तो आपको कल भी याद किया था सर। कल मैंने आपसे अर्ज किया तो मैं कहीं दूर गया हुआ था, वहाँ टेलीफोन का प्रॉब्लम था। सर आप कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाइएगा, क्योंकि इस वक्त जो किरदार आप अदा कर रहे हैं ना वो करीब करीब रह के ही हो सकेगा। इस दफा किरदार जो है ना वो बड़ा वो है, ऑर्गेनिक है। अच्छा। जैसे ये नहीं निकलते दरख्त निकलते हैं, सब्जा निकलता है, ग्रीनरी निकलती है, ये ऐसा ऑर्गेनिक काम है, ये इंशाल्लाह चलता रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, आपके हर काम चलते रहने चाहिए। दुरानी साहब हम तो आपके लिए दुआगो है। ये तो बता दें दुरानी साहब के जनाब, ये इत्तेहाद जो है इसका बाज़ाब्ता ऐलान कब करें? देखें ये जो इत्तेहाद है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी मुनफरिद इनिशिएटिव है, जो किसी के कहने पे या किसी के डिजाइन पे नहीं हुआ, बल्कि आवाम की ख्वाहिश और आवाम के जज्बात और आवाम की दुआओं का आईनाकार है। और इसमें जो लोग भी इकट्ठे हुए हैं, जो भी लीडरान हमारे कल तशरीफ लाए थे परसों, वो सब जो है उनका अपना इनिशिएटिव है और उनकी अपनी सोच का आईनाकार है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी डेवलपमेंट जो भी होंगी इंशाल्लाह वो मुस्बत होंगी, उनकी रुख जो है वो पब होगा और उसके नतीजे और पाकिस्तान का आइन। दुरानी साहब हमने ये देखा है कि आपकी कोशिशें जो थीं पिछले 2 साल से जारी और सारी थीं, लेकिन अभी ये माजी करीब, बहुत दूर का भी माजी नहीं, ये माजी करीब के अंदर इत्तेहाद की बातें हुई, मुखालिफ पैगामात जाते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के बारे में बात करती रही, जमात इस्लामी कहे हमने इत्तेहाद नहीं करना, महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में बहम पैदा होता रहा, पता नहीं मैंडेट है या नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि उधर से कोई तासुर ऐसा आना चाहिए कि हम बैठें, एक ही दिन में ये सारा वकूआ हो गया, यानी उस दिन कोई मेम्बर भी मिस नहीं हुआ, ये सारा हो गया, और बकौल आपके कि ये ऑर्गेनिक है, कैसे मान लें कि ये हाइजीन ही रहेगा? मैंने कहा इसके मुहाफिज जो है ना वो पाकिस्तान के आवाम है इंशाल्लाह, ये जो होगा ये एकता और ये अकट जो है इंशाल्लाह ये बढ़ेगा, आगे चलेगा और पाकिस्तान के लिए बेहतरी और खुशहाली लेके आएगा इंशाल्लाह। अच्छा दुरानी साहब ये बता दें कि बड़े दावे किए जा रहे हैं इस इत्तेहाद के बनने के बाद, और कहा जा रहा है कि सितंबर का महीना सितमगर होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए अभी ये इत्तेहाद बनने की बात करना तो थोड़ा सा कबल अज वक्त है, लेकिन इस वक्त इतना जरूर हुआ है कि तमाम कायदी 2 घंटे 3 घंटे इकट्ठे बैठे रहे, आपस में एक दूसरे के ख्याल सुने, सिंध वालों के दुख सुने, बलूचिस्तान वालों के दुख सुने, केपीके वालों के दुख सुने, पंजाब वालों ने आवाम का हाल बताया, तो इस सारी चीज से आपस में एक कुर्बत का माहौल पैदा हुआ। और देखें कितनी दिलचस्प बात है कि हम ये फैसला हुआ कि जी आपस में मिलना है, लेकिन सब मिले भी और हुकूमत को कानो कान भी खबर नहीं हुई और अल्लाह ताला ने ये सारी नशिस्त भी कराई और आपस में मिल बैठने का अमल भी आगे बढ़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज सितंबर सितमगर हो ना हो, लेकिन सितमगरों के कदम जरूर इंशाल्लाह पीछे हट। एक सवाल बड़ा गर्दिश, एक चीज बड़ी गर्दिश कर रही है कि एक ऐसे क्लब में आपकी मीटिंग हुई जहां पर बड़ी ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े लोगों को आना जाना होता है, तो यह हुकूमत इतनी लाइलम किस तरह रही? देखें हुकूमत का तो वो तो हुकूमत ही बता सकती है कि लेकिन ये असल में इसकी किसी को ये मीडिया में भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी और ये एक इनफॉर्मल सी डिनर के ऊपर एक सिटिंग थी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है हुकूमत को कोई खास खबर भी नहीं हुई और कोई तवज्जो भी नहीं थी और मीडिया असल में अटेंशन भी नहीं थी इसके ऊपर ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है हुकूमत ने इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। दुरानी साहब हुकूमत ने खास तवज्जो नहीं दी तो क्या हुकूमत अहमियत नहीं देती, या हुकूमत अगर तवज्जो दे भी लेती तो उसका नतीजा कुछ ना निकलता? हुकूमत एक तो तवज्जो से कोई नतीजा नहीं निकलना था और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को अपनी बड़ी मसरूफियात है ना, वो तो मतलब दिन रात जो है आवाम को दुख पहुंचाने में इतना मसरूफ है कि उसमें से उनकी तवज्जो किसी और तरफ हटती नहीं है। दुरानी साहब किसी ने तस्वीर लगाई हुई थी 2 तस्वीर के तकाबली जायजे के तौर पे,
एक 92 के वर्ल्ड कप के बाद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ के खान साहब की तस्वीर दी, और दूसरी तस्वीर शहबाज शरीफ साहब की अरशद नदीम के साथ थी। उन्होंने कहा जी मकाफात अमल हो जाता है, उससे बाज रही है। इनकी इनकी कोई चीज जो है वो ऐसी नहीं है जिसको अवाम को दुख देते हुए। आज आप देखें क्या हो रहा है, पूरी हकूमती मशीनरी जो जो अखराजात कर रही है, जिन जिन मर्दाज में कर रही है, आप पंजाब में जानते हैं, मतलब कहीं अवाम नहीं है। इनकी अखराजात के अंदर कहीं कोई वो नजर आ रहा, अपना मईशत का बुरहान नजर नहीं नजर आ रहा कि जी मई को किसी किस्म का है। मसला तो सिर्फ बेचारे गरीब आदमी को है, हुक्मरानों को तो नहीं है मसला। तो लिहाजा पूरा मुल्क जो है, जो कोई भी आज आप खड़े हो जाएं कहीं भी और किसी के खिलाफ नारा लगा दें या किसी के हक में लगा दें, अब हम निकल। अभी मैं ये इस वक्त 14 अगस्त के जो है वो उसमें फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक के अंदर, हर गाड़ी की हर दूसरी चौथी गाड़ी में से किसी ने एक पार्टी का झंडा निकाला हुआ है, पीटीआई का। अब मतलब ये है कि आप क्या इसको करेंगे, क्यों नहीं आप आवाम की राय के, और सदा नहीं रहती कोई चीज भी, मतलब आज अगर आवाम एक चीज चाह रहे हैं तो आप क्यों उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। लेट्स देम, जमहूरियत है आज का। दुरानी साहब आपकी मीटिंग बड़ी मजेदार मीटिंग है, और उसके बाद भी आपके मसरूफियत बड़ी अहम तरीन मसरूफियत है। उस मीटिंग में मौलाना फजलुर्रहमान साहब समेत सारे इस बात पर तो एग्री थे क्या कि इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए, या इस तहरीक के हवाले से अभी कुछ सेकंड राउंड चलेगा? नहीं, तहरीक के हवाले से अभी कोई वहां डिस्कशन नहीं हुई। कल तो सिर्फ और सिर्फ अवाम के मसाइल, अवाम के इश्यूज और आज के जो चैलेंजेस है उनके ऊपर तमाम कायदीन ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, और उसके ऊपर अलबत्ता ये बात जरूर हुई कि जी तमाम जो हकूमत से बाहर की जितनी भी सियासी कुवतें हैं उन्हें अवाम के साथ इकट्ठे हो जाना चाहिए और आईन का तहफ्फुज करना चाहिए, और जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए जो है सबको मिलके एक वो करनी चाहिए, एक जद्दोजहद करनी चाहिए ताकि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, और जो मतलब इंतखाबात और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन पे उनके उनकी जो है वो एक फेयर जो है वो मतलब रास्ता बने। तो अब ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये जितने कायदीन इकट्ठे हुए हुए थे ना, इन्होंने हकीकत में अपने इनिशिएटिव के ऊपर सियासत और जमहूरियत को इज्जत दी है इकट्ठे होके। मतलब हम तो हमने तो पाकिस्तान से सियासत की इज्जत ही खत्म कर दी थी, कर दी हुई है, बल्कि मतलब हम हर वक्त आते हैं तो किसी और के सर पे आते हैं, रहते हैं तो किसी और के सर पे रहते हैं। तो ये सब लीडर जो थे ये खुद से इकट्ठे हो हुए और इन्होंने सियासत को इज्जत दी, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि सियासतदानों का वकार बुलंद हुआ है इस मीटिंग की वजह से, कि वो अपने इनिशिएटिव के ऊपर आवाम के लिए इकट्ठे हुए, उन्होंने बातें की, उन्हें किसी इशारे की जरूरत नहीं। जब मैंने ये शुरू किया था मफाहमत की बातचीत, हमारे से ये तमाम चैनलों वाले पूछते थे आपसे, हमारे जो दोस्त हैं, कि आपके पीछे कौन है। मैं कह यार इस बारी तो कोई भी नहीं है। कहने लगे पेट ज्यादा ठीक है। कहने लगे कि फिर आपका क्या बनेगा। मैंने कहा यार इसीलिए तो बनेगा कि इस दफा जो है वो अल्लाह का नाम है और इस मुल्क के आवाम है और उसी के भरोसे पे चल रहे हैं, जिस तरह हमेशा हर गरीब आदमी चला करता है। अब मफाहमत की बात जो है वो भी एक रवायत और फैशन, मतलब एक वो बन गया है। अच्छा दुरानी साहब, एक बात है, तल्ख भी है लेकिन संजीदा नौइयत की भी है, कि इसकी पायदारी की गारंटी क्या होगी? क्योंकि अभी तो इंटेंशंस जो सभी की हैं वो तो छुटकारा होंगी और आवाम को रिलीफ होगी, लेकिन फिर एक वक्त सियासत के अंदर आता है कि जब किसी को ये लगे कि इसका बेनिफिशरी मैं नहीं हूँगा, कोई और बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होगा, वहाँ पर रिफ्ट पैदा होता है, और इस पूरे माहौल में बेनिफिशरी आपको भी मालूम है कि कौन होगा, तो दूसरे जो लोग हैं वो किस हद तक मुत्तहिद रहेंगे और कितने वक्त के लिए? देखें, इस इत्तेहाद के बनने की वजह जी सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के लिए, अगर सियासी मफाद के नुक्ते नजर से देखें तो बुनियादी जो इसमें नुक्ता है, सियासतदान का जो जिस
माहौल में वो जिंदा रहता है, जिस हवा में वो जिंदा रहता है, जिस पानी में वो तैरता है, वो अवाम होते हैं। इस इकदाम को और इस एकता पे, इस इकट्ठ को जो चीज दवाम देगी वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की ख्वाहिश हो। मैं ये भी बता दूं कि ये मैं मानता हूं कि एक पार्टी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे बड़ी जो इस पॉपुलैरिटी को रखने वाली चीज है वो हुक्मरानों की नफरत है जी। मतलब मेरे बड़े यहाँ बड़े कायदीन है, उनसे मेरी डिस्कशन हुई, उन्होंने सबने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की तरफ जाना तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं, ये तो एक मतलब एक अंधा कुआं है, जिसने उसमें जाना हो चले जाए। अब ये है कि अगर किसी ने अवाम की हमायत और अवाम की सपोर्ट और अवाम के वोट के साथ जिसने सियासत करनी है, उसको इस हुकूमत के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ेगा, और यही वो मफाद है जो सबको इंशाल्लाह इकट्ठा रखेगा, और यही वो दुआ भी होगी जो आम आदमी की दुआ होगी कि यार इस वक्त जिस अजाब में हम फंस चुके हैं उससे निकलने का कोई रास्ता बन सके। अच्छा दुरानी साहब, दूसरी नशस्त कब हो रही है? देखिए, अब ये तो एक अल्लाह ने मेहरबानी की सब, और मैं ये बता दूं कि इसमें इस नशिस्त के होने का सेहरा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के सर पे है, महमूद खान साहब चकजई साहब के सर पे है, जो गौहर साहब के सर पे है, बैरिस्टर गौहर, बल्कि आप यूं समझ लें कि खुद इमरान खान साहब के सर पे भी है कि उन्होंने इस चीज को वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। और फिर हाफिज नईम साहब ने, देखें लियाकत साहब और जो अमीरुल अजीम साहब तशरीफ लाए थे, वो डेफिनेटली हाफिज नईम साहब ने खुद भी फरमाया था, उनका जलसा था पिशावर में, वो कह रहे थे कि अगर मेरा जलसा ना होता तो मैं खुद भी उसमें शरीक होता। फिर उन्होंने खास तौर पे सफदर अबासी साहब जो है वो सिंध से 5-6 पार्टियों की नुमाइंदगी करने के लिए पीर साहब के हिदायत पे यहाँ तशरीफ लाए। और फिर उसी तरह से साजिद तरीन साहब ने मतलब बलोचिस्तान की बड़ी BNP की तरफ से नुमाई। तो मैं इस तरह ये समझता हूँ कि ये सब लोग जो आए थे ये अपनी ये जो पूरी गैदरिंग हुई है ये इन सब की वजह से हुई है। और मैं तो एक वो समझ लें कि जी एक बीच में मफामत कार था या फैसिलिटेटर था, असल तो इन लीडरों की वजह से ये महफिल हुई, और मैं उससे भी ज्यादा समझता हूँ अवाम की वजह से। अच्छा दुरानी साहब, मेरा आखिरी सवाल है जनाब, आप दूसरी मीटिंग कह रहे हैं कि अब नहीं बताना चाह रहे, वो बेहतर है कि जब भी हो या जैसे भी हो, आप देख क्या रहे हैं कि हुकूमत के लिए कौन सा महीना मुश्किल है? मेरा तो ख्याल है कि जी अवाम के लिए तो हर लम्हा मुसीबत है, ठीक है ना जी। हुकूमत के लिए तो हुकूमत तो मुझे ऐसे लगता है कि वो तो ये समझ रही है कि जी हमें तो कुछ होना नहीं है, हमने तो रहना ही रहना है, क्योंकि उनको कोई दुख नहीं है, उनकी बिजली भी नहीं जा रही, उनके नोट भी नहीं खत्म हो रहे, उनके बाहर की जदादें भी खड़ी हैं, उनका सब कुछ चल रहा है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए हर दिन जो है हुकूमत कमजोर हो रही है, हुकूमत उस बर्फ की एक ब्लॉक की तरह है जो हर लम्हे पिघलता जाए। वलासर का जो एक है ना, वलासर इंसान लफी खुश, ये वो इंसान है जो खसारे में है और खसारा इनका मुकद्दर है इस वजह से कि ये अवाम के दुख का सबब बन रहे हैं, और अवाम का दुख जो है वो इनको चैन नहीं लेने देगा, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह अवाम को अल्लाह ताला इनके कहर और इनके अजाब से निजात देगा। ये हर वक्त खसारे में है और अवाम का जो इस वक्त रवैया है वो इनकी तरफ मुस्बत कभी भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, इस हवाले से अगली नाज़रीन दीगर मंज़रनामे पर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामा जिसमें अपोजिशन इतिहाद की एक अहम बैठक और फिर हुकूमत के जाने की बाजगश जो है वो मुख्तलिफ जो है लोगों से जब सुनने में आएगी, जिसमें हुकूमत के इतिहादी लोग भी होंगे, तो फिर ये हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है और हुकूमत के टिके रहने के ऊपर भी। अपोजिशन की इस वक्त प्लानिंग क्या है, अपोजिशन इस मखमसे से किस तरीके से निकलेगी, और फिर
अगर मजमू तौर पर ग्रैंड अलायंस किया जाता है तो ग्रैंड अलायंस क्या गैर मशरूत होगा या फिर मशरूत होगा? और फिर जब किसी को ये दिखाई देगा कि कोई एक बेनिफिशरी है तो दीगर जो सियासी इतिहाद की शामिल जमातें हैं उनकी इंटेंशंस क्या होंगी? इसी पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे और कानूनी मंजरनामे पे बात की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बानी अराकीन में शामिल हैं आमिद खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आमिद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिद खान साहब, सर जो अभी मीटिंग हुई दो दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर, क्या लगता है कि आईने तहफ्फुज़े पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो बाकायदा तौर पे शक्ल इख्तियार कर चुकी है या उसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं? ये जो काफी दिनों से काम कर रहे हैं, बहरहाल अभी इसमें काम और भी बहुत सा होने वाला, और भी कुछ ऐसी जमातें हैं जो इसमें शरीक होना चाहती हैं और उन पर काम हो रहा है। तो लेकिन बहरहाल जो आईन के तहफ्फुज़ के लिए काम था, ये जो जितनी भी पार्टी इकट्ठी हैं पीटीआई के साथ, वो तो अपना रोल अदा कर रही हैं और करती रहेंगी। अच्छा खान साहब, चूंकि कानून के हिसाब से हम देखें, वकला तहरीक के हिसाब से हम देखें, आइन के तहफ्फुज़ के हिसाब से देखें, तो हामद खान साहब हमें हमेशा पहली सफ में नजर आते हैं। इस मौजूदा सियासी सूरत हाल और कानूनी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? ये जो पीछे तीन अराकीन के हवाले से फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, और वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने के फुट बेंच ने दिया था महसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका और उस फैसले पर फौरी अमल दरामद हो गया, क्या कहेंगे आप इसमें? जी बिल्कुल, ये बड़ी वाजे तौर पर बदनीयती नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो फर्स्ट था कि वो जो 8 जजेस का जो फैसला था उस पर सिर्फ और अमल हो चुका होता अभी तक, क्योंकि एफिडेविट्स भी और डेक्लेरेशन भी दाखिल हो चुकी हैं और उनको नोटिफाई करना चाहिए था इमीडिएटली, और उसके मुताबिक जो मखसूस रिश्ते हैं उनको दे जानी चाहिए थी उसी इतनासत से। और ये जानबूझ कर इलेक्शन कमीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा बदनीयती की वजह से, और उसके पीछे और अवामिल जो है, जो मौजूदा हुकूमत है जो कि दर हकीकत फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो नहीं चाहते कि कोई इस फैसले पर अमल दरामद हो। और ये जो फैसला 2-1 से आया है और जो मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर आईनी तौर पर बिल्कुल गलत फैसला है, लेकिन बहरहाल वो फैसला है जब तक वो रिव्यू नहीं हो जाता, तो बहरसूरत उस पर तो बड़ी जल्दी अमल दरामद हो गया, अभी चंद दिनों के अंदर हो गया। तो इससे उनकी बदनीयती, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती और उसके साथ जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मिली भगत साबित हो रही है। हामिद खान साहब, आज जो सरकारी एजाजात तफवीज करने का ऐलान सदर मुमलिकत की तरफ से हुआ, उन शख्सियात में एक शख्सियत जो है जिनके लिए हिलाल इम्तियाज का ऐलान किया गया और तोशाखाना स्कैंडल को बेनकाब करने वाले थे, इस पे आप क्या समझते हैं कि माजी में ऐसी कितनी शख्सियात को हिलाल इम्तियाज या तमगा इम्तियाज या हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया हो या मुस्तकबिल में नवाजा जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल जो हम अंग्रेजी में कहते हैं बायस्ड, ये जो कुछ भी ये हुकूमत कर रही है वो हर चीज जो है अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर कर रही है, जिसको हम कहते हैं फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का शिकार है, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने फेवरेट्स को नवाजने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल गैर मुनसफाना तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हुकूमत पता है कि वो खुद जानते हैं कुरान मौजूदा कि वो नाजायज हुक्मरान है, वो इलेक्शन हारे हुए हैं और हारे हुए इलेक्शन के बाद वो जाली जीत बनाकर उसकी बुनियाद पर अपने आप को इकतदार में बिठाए हुए हैं, आवाम जानती है कि ये जाली हुक्मरान है। तो इन हालात में हम ऐसे जाली हुक्मरानों से क्या जो है तवक्को कर सकते हैं? अहमद खान साहब, आपने पिटीशन की हुई है 8 फरवरी के इंतहाबात के हवाले से, आपने उस पर एक अर्जी भी डाल दी थी दोबारा, कोई उम्मीद है कि वो केस सुना जाएगा जल्दी? अभी तक नजर नहीं आ रहा कि कोई इसके आसार है, उनको इनकी रिव्यू पिटीशन सुनने की तो बहुत जल्दी थी, बड़े बड़े बातें कर रहे थे, लेकिन जो बल्ले वाले केस के खिलाफ हमने रिव्यू पिटीशन डाली हुई
जो कि फरवरी के शुरू की डाली हुई है, और ये जो जिसका आपने जिक्र किया है जो कि 8 फरवरी में जो धांधली हुई है उसमें जुडिशियल कमीशन मुकर्र करके जुडिशियल इंक्वायरी कराने की जो हमारी पिटीशन है वो भी मार्च के शुरू की फाइल हुई हुई है, लेकिन वो तो उनको नजर ही नहीं आती, उनको सिर्फ PMLM की तरफ से जो कुछ भी पिटीशन आएगी या वो नजर आएगी, और कोई किसी की पिटीशन नजर आ ही नहीं सकती। हामिद खान साहब, बेशुमार लोग आपके बारे में बात करते हैं कि हामिद खान साहब ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से करीबी रवाबित रहे, ताल्लुक रहा, और वो उनको माइल कर लेंगे ये केसेस सुनने के ऊपर, लेकिन क्या आपके वो रवाबित भी कारगर नहीं रहे? देखिए, मैंने कभी भी जाती रबते नहीं किसी से रखे, वो तो एक असूली सी बात थी। हम समझते थे कि उस वक्त जो इनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया है वो बदनीति पर मबनी था, क्योंकि उन्होंने एक जजमेंट दी थी जो कि हम समझते हैं कि जरूरत वाली थी उस जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था उस धरने के बारे में, और ये कहा था कि खानों को सियासत में नहीं होना चाहिए, और कहा था कि जाओ जाके अपनी आइन के तहत जो ओथ है वो पढ़ो और सियासत में आप हिस्सा नहीं ले सकते। इसके जवाब में इन्होंने फिर सारा केस बनाया दरा दरा और उनके खिलाफ रेफरेंस कराया। तो हम समझते थे कि इस तरह से जो जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत है वो बिल्कुल गलत है और नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने बार की तरफ से सपोर्ट किया। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से वकील था, बलोचिस्तान की बार की तरफ वकील, तो हम इससे इनसे एक्सपेक्ट ये करते थे कि ये इंडिपेंडेंट जज होंगे, चीफ जस्टिस अपना रोल इंडिपेंडेंटली किसी के फेवर में नहीं किसी के खिलाफ नहीं अदा करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी मायूसी है, सख्त मायूसी है कि ये उनसे तवक्को क्या थी और ये क्या निकले। अच्छा खान साहब, अब अदालतें मेरा ख्याल है 15 तारीख तक खुल जाएंगी, 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट, तो क्या तवक्को है तफसीली फैसला कब तक आ जाएगा? देखिए, वो तो उनकी मर्जी है, उनके पास 3 से 6 महीने का टाइम होता है तफसीला देने के लिए आमतौर पर 90 दिन के अंदर, और ये बात 12 जुलाई की है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अक्टूबर के शुरू तक के मिडल तक भी वो तफसीली फैसला दे सकते हैं। तो मैं कुछ कह नहीं सकता कब तक आएगा, लेकिन बीच में छुट्टियां हैं, यकीनी तौर पर ये कोर्ट खुलने के बाद वो चूंकि सारे जजेस अवेलेबल होंगे और उन सब में दस्तखत भी करने होते हैं, फिर वो रीजन्स के बारे में एक्सचेंज भी होती है नोट्स की, तो वो हो जाएगा मेरे ख्याल में अदालत की खुलने के जल्दी बाद ही हो जाएगा। अच्छा हामिद खान साहब, सर ये बताइएगा, इत्तलात हैं कि अडियाला से एक ओहदेदार की गिरफ्तारी हुई है, अब उसकी सदाकत या उसकी तरदीद के हवाले से तो बातें नहीं आ रही, लेकिन क्या पिछले दिनों के अंदर खान साहब को जो सहूलियात मुयसर थी उनसे ज्यादा सहूलियात भी मिली हैं? नहीं, मुझे नहीं पता उनको क्या सहूलियात मिली, मेरी कभी उनसे सहूलियत के हवाले से नहीं है कोई डिस्कशन। उन्होंने बता मुझे ये बताया था एक दफा जब मकान पहली या दूसरी दफा मैं उन्हें अडियाला जा मिलने के गया, और उससे पहले मैं से उधर भी अटक जेल में मिला हूँ, तो उन्होंने कहा था कि अटक जेल में से उनको चलने फिरने की खुली जगह थी, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और ये बड़ी तंग सी जेल है और जगह उनको थोड़ी दी गई, लेकिन सेल मैन नहीं ना मुझे उस सेल में क्या फैसिलिटीज हैं उसका कोई इलम। अच्छा हाँ साहब, अब तफसीली फैसला तो आ जाएगा, ये सब एक हमें थोड़ी सी कानूनी तौर पे बता दे कि नए चीफ जस्टिस का तकरर कितने दिन पहले होता है? देखिए, आमतौर पे तो 2-3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन हो जाए और हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब किसी गवर्नमेंट के पास कोई यानी ऑप्शन किसी के पास नहीं, क्योंकि आईन ने वजाहत कर दी है आर्टिकल 175A के तहत के नेक्स्ट चीफ जस्टिस वो होगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा, तो हम तो अगले 5-7 बता सकते हैं कि कब कब कौन कौन सी चीफ जस्टिस बनेगा। जैसे इंडिया में भी कसूर पर अमल दरामद हो रहा है, सबको पता है कि फलां तारीख को फलां चीफ जस्टिस होगा, फलां तारीख को फलां चीफ, तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अब वो फॉर्मली एक नोटिफिकेशन की बात है, उसके ऊपर क्यों बैठे हैं
ये हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल चाहे वो नोटिफाई अभी करे ना करे तो करना पड़ेगा क्योंकि वो आइन का तकाजा है। अच्छा हामिद खान साहब, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाकायदा तौर पे सियासत में कब फाल होंगे कि वो कमेटीज़ का बैठ के हिस्सा हों या ये जो निगोसिएशन हो रही है दीगर जमातों के साथ उसका भी हिस्सा बने? मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं है, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई थी असल में वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, उनकी 4 या 5 पसलियाँ फ्रैक्चर हो चुकी हैं, वो गिर गए थे जेल के दौरान जब वो जेल में थे और काफ़ी उनको इंजरीज आई थी, खासतौर वो कहते हैं कि मेरी बहुत तकलीफ है, वो मेरी पसलियों की जो फ्रैक्चर हुआ ना उसकी वजह से मैं काफ़ी तकलीफ में हूँ, तो जब तक जरा मैं रिकवर नहीं कर जाता मैं एक्टिव नहीं हो सकता। अच्छा आखिरी सवाल है, तहरीक कब शुरू हो रही है, फाइनल तहरीक जी क्या हो रही? हाँ सर, फाइनल तहरीक कब शुरू कर रहे हैं? खान साहब को छुड़ाने के लिए। देखिए एक तो तहरीक की जो जरूरत है फौरी तौर पर और वो इंशाल्लाह इनिशिएट करेंगे छुट्टियां खत्म होने के फौरन बाद, वो तहरीक है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराने, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तब तक आइन के पर अमलदारी नहीं हो रही है, क्योंकि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक करना होता है। अगर दूसरे अदारे सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उससे मुल्क में जुडिशियल केओस और जुडिशियल एनार्की हो जाएगी, तो ये हमारे वकला साहब पूरी तरह से इसके बारे में इरादा है और करीब हम अनाउंस भी करेंगे कि हम नेशनल कन्वेंशन भी करेंगे और इस हवाले से, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी तेजी से इसके ऊपर अमल दरामद हम करा सकें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद को डिले नहीं दूसरे जो अदारे हैं वो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करवाने के हवाले से छुट्टियों के फौरी बाद जो है बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब इस हवाले से अपना मौलाना साहब, एक तरफ से कोशिश है दो तिहाई अक्सरियत हासिल करने की, बहुत सारे लोग जिस तरीके से बात करते, कल नईम हैदर पंजोथा साहब भी कह रहे थे ये 234 करना चाहते हैं, फिर ये आगे बढ़ें 214 करना चाहते हैं, फिर ये 6 लोगों को तोड़ के अपनी तरफ लेके आएंगे, इनके अपने लोग जो हैं इस वक्त साथ वो किस हद तक साथ? दो चीज़ें आप बड़ी क्लियर, मैं आपको एक बता दूँ कि ये जो मुत्तहिदा इत्तेहाद बन रहा है ना एक अपोजिशन का, ये सिर्फ अवाम की तर्जमानी नहीं होगा, ये सिर्फ अवाम के लिए नहीं होगा, मेरी इतला के मुताबिक ये बहुत से ऐसे अराकीन को तोड़ने का भी इनके पास टास्क होगा कि जो अराकीन अपनी हकूमत पे रहते हुए ही हकूमत के खिलाफ है, इसमें से अक्सरियत है या सर बहुत बड़ी अक्सरियत है जो नहीं चाहती कि वह हकूमत के साथ रहे, लेकिन उसे कोई तीसरा दूसरा या पहला रास्ता नजर नहीं आ। इनके अपने राजा रियाज साहब जी, इनके अपने राजा रियाज साहब, क्योंकि ये तो होना मकाफाती अमल है ना, मकाफाती अमल जो है वो कभी वापस तो होता ही है सारा कुछ। दूसरी बात ये है कि आप जेन में रखिएगा एक चीज, सितंबर के महीने में आपको, आपने सुना हामिद खान साहब ने वकला तहरीक का इशारा दे दिया जी, दूसरी तरफ आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब का सुना कि सारी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं, कोई दूसरी राय नहीं है कि हमने हुकूमत के साथ नहीं जाना। अब हुकूमत गिनती में गिनती है जमीयत उलमाए इस्लाम के एक नूर आलम खान को गालबन कि वो हमारे साथ, जब मौलाना साहब उनके साथ नहीं होंगे, उनका कोई मेंबर अगर दूसरी तरफ जाएगा तो फ्लोक क्रॉसिंग की वो शिक में आ जाएगा और उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा और उसकी चीज़ भी नहीं गिनी जाएगी। और तीसरी चीज, अगर आप इससे भी हटके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर देते हैं और आप महसूस नशस्तें अपनी मर्जी से हासिल कर लेते हैं जो आपने एक चेंज किया है उस आर्टिकल में, तो उसमें तब्दीली लाए हैं या इजाफा किए हैं या तरमीम की है, तो उसके बाद आपको शायद बहुत लंबा अरसा इंतज़ार ना करना पड़े, वो उसके नेक्स्ट डे ही आपको नजर आएगा कि वकला भी आपको नजर आएगा, सियासी जमातें भी, सिविल सोसाइटी भी आपको सड़कों पर नजर आएगी। और इस मौजूदा हालात में क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इसे अफोर्ड कर सके?
चलिए ठीक है, मान लिया आप तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ लेंगे, लेकिन जब बहुत सी सियासी जमातों के कारकुन आएंगे तो किस किस को पकड़ेंगे? जिस वक्त आपकी मुआशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, जिस वक्त आपकी सियासी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, जिस वक्त आपकी इक्तसादी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, जिस वक्त आपकी मैं समझता हूँ जाती सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं है, तो उस वक्त में आप किस तरीके से सर्वाइव कर लेंगे? ये एक बड़ी क्लियर सी और साफ सी वजह है। ब्लूमबर्ग की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुतल्लिक जो इंकशाफात मंजर आम पे आ रहे हैं, वो 2021 से अब तक बिजली की, सिर्फ बिजली की कीमतों में 155% इजाफा हुआ है। 155% बस ये तो कुछ भी ना हुआ, ऐसा वो कहते हैं ना, तेरे बाद कयामत है, तेरे बाद कयामत है। यासर साहब, मैं आज वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान सुन रहा था कि बेहतरीन मौशी प्लान बना लिया है। हाँ जी, 5 साल वाला, 5 साल, और बिजली की कीमतों में जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, बिजली की कीमत कम कर देंगे, गैस की बढ़ा देंगे, पेट्रोल की बढ़ा देंगे, कहेंगे घट नहीं सी की, उसके बाद किसी और चीज़ पे टैक्स लगा देंगे। यानी इन्होंने हमें यहाँ से पकड़ा, यहाँ से हमने छुड़ाना है, यहाँ से पकड़ लेना है, यहाँ से छुड़ाना है, यहाँ से पकड़ लेना है, यहाँ से छुड़ाना है, यहाँ से पकड़ लेना, इन्होंने पकड़ना ज़रूर है हमें, हमारी जो अंदर जितना हमारे खून है ना, वो सारा निकालना है, निचोड़ना है, उसके बगैर आप कहें कि हमें छोड़ देंगे, मुमकिन नहीं है यासर साहब, मुमकिन नहीं है। आप, मैं जब बिल आता है ना, बिल तो छोड़ दे यार, कल स्कूल खुल रही है ना, कसम ले ले किताबें लेने गए, 37,000 की बुक्स आई हैं, 37,000 की, वो पेंसिल, वो शॉपर, वो रबर जो पहले मैं लेता था सस्ता होता था, वो कॉपी जो बड़ी सस्ती मिलती थी, जब वो किताबों का रेट जब एक बंडल सा लिया ना, खुदा की कसम वो बंडल इतना बड़ा बोझ लगा कि सोचने लग गया मैं कि बेटे को बेटी को पढ़ाना किस तरह है, आगे किस तरह गुजारा करेंगे। हम तो सियासत में भी नहीं हैं, हमारे पास तो बहुत बहुत बड़े अहदे भी नहीं हैं, हमें तो तगमा इम्तियाज भी नहीं मिला, यहाँ तो क्या करें हम, हमें हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, हमने तो रिज़्क़े हलाल कमाना है, वो कमा के लेकर जाना है, तो ये आलम तो अभी शुरू होने देना, मैं कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं, कुछ स्कूल पीर से शुरू हो जाएंगे, तो इन 2-4 दिनों में स्कूल हों जो शुरू होंगे, तो जैसा सब लगेगा पता, आपको भी अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, स्कूल जा लें तो फिर पूछेंगे तब। बड़े हालात बेहतर होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर होंगे, ये गिरदान सुन सुन के हम बचपन से जवान हो गए, जवानी से बुढ़ापा भी आ जाएगा, और बुढ़ापा आने को है, और फिर हम अपने बच्चों को पैगाम दे रहे होंगे कि हालात बेहतर होंगे, कभी तो वो दिन आएगा कि जिस दिन हालात बेहतर हो चुके होंगे। नाज़रीन, मुझे और राना साहब के प्रोग्राम से दाज़ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।